तो वहीं कृषि कानून वापसी बिल सदन के दोनों सदनों से पास हो गया। इसी को लेकर जनता टीवी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है। दुग्गल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, लोकसभा में हमने देखा किस तरीके से ध्वनि मत से जो 3 कृषि कानून निरस्त करने के लिए जो विधेयक था वो पास हो गया, किस तरीके से आप देखती हैं इसको, क्योंकि किसान लंबे समय से इसको रद्द करने के लिए जो है अपनी मांग रख रहे थे। देखिए, जो किसानों की मांग थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था, प्रॉमिस किया था और ये कहा था कि हम ये कानून वापस लेंगे, तो आज जो है पहला दिन ही था संसद का और इसमें ध्वनि मत के साथ जो है ये जो सभी जो बिल पास हुआ और तीनों के तीनों जो फॉर्म लॉ हैं वो रिपील हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही थी उन्होंने अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि अब संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से जो है वो चलने देना चाहिए विपक्षी दलों को भी, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पर चुनकर आते हैं तो हमारी जनता के जो भी यहाँ पे उनके जो काम है उनके जो सुचारू रूप से जो है वो मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए विपक्ष को भी है इसको चलाने के लिए। जनता चुनकर भेजती है कि उनके जो भी उनके लिए जो हम यहाँ पर आते हैं कि उनसे पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज बने जो उनके लाभ के लिए हों, जो उनके हितकारी हों, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर जो है इसका निर्वहन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर सुबह बोला था लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं चर्चा से भाग रही है, जो 3 कृषि कानून है उस पर जो है वो चर्चा करना चाहते थे, MSP पर वो चर्चा करना चाहते थे, क्या वाकई जो है इस तरीके की स्थिति है कि सरकार कहीं ना कहीं चर्चा से भाग रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब वापस होना है तो उसमें चर्चा का कोई विषय नहीं बनता है और जो BSE की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये बात हुई थी कि चर्चा जो है वो इसके ऊपर कोई बनती नहीं है और वहां पर भी ये बात स्पष्ट हो गई थी। तो इसमें वापस करने में तो क्या चर्चा होनी है, जब वापस हो रहे हैं तो वापस हो रहे हैं तो उसमें कैसी चर्चा। कोई बिल पास होता है, कोई बिल जो है वो अगर लागू होना होता है तो उसमें तो चर्चा होती है और उसमें चर्चा हुई थी पहले, लेकिन अब अगर रिपील करना है तो उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं बनता है। एक अंतिम प्रश्न मैम, अब राज्यसभा में जो है कहीं ना कहीं ये जो है विधेयक रखा जाएगा, वहां पर भी संख्या बल के हिसाब से माना जा रहा है कि पास हो जाएगा, तो कृषि जो तमाम किसान है वो कहीं ना कहीं अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब ना केवल 3 कृषि कानून बल्कि अन्य मसलों पर भी जो है कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सहमति बननी चाहिए। देखिए, अन्य मसलों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे कृषि मंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि उस पर कमेटी जो है वो गठित होकर और उसमें जिस तरह से भी जो भी हमारे किसान भाइयों के हित में होगा वो निर्णय लिए जाएंगे। और लेकिन जो सबसे मेजर इशू जो था वो तीनों फॉर्म लॉ को रिपील करने का था, तो वो आज ध्वनि मत से जो है पास हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सांसद सुनीता दुग्गल जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।